So, in this question, already the question already I mentioned in the description. So please you go through the question. This is the bus, and in the place of here the driver is sitting, and driver is see to the mirror. अब आपको पता है अगर इस ये मिरर होगा तो ये क्या कॉन्वेक्स मिरर होगा, और इस पॉइंट पर कुछ पैसेंजर्स हैं और वो पैसेंजर टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे हैं. सो ड्राइवर टू पैसेंजर को आइडेंटिफाई करता है, ऐसा मान लेते हैं. सो देखिए सेम डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई देगा. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, सेम मिरर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ हम कंसिडर कर लेते हैं पी, एंड दिस इज द सेकेंड पोजिशन हमने फिर से कंसिडर करी पी. सो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द आर इज गिवन 2 मीटर. अब आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका नेचर जो होता है इमेज का, वो एक वर्चुअल में होता है. मतलब इमेज जब भी फॉर्म होगी तो कुछ यहाँ पे फॉर्म होगी. अब पैसेंजर है, उनका जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें क्या पूछा गया है. सो जब ड्राइवर टू डिफरेंट पोजिशन पे पैसेंजर्स को देखता है तो पैसेंजर्स टूवर्ड द मिरर मूव कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम देखेंगे तो पी डैश को कंसिडर कर लेते हैं. सो पी डैश का जो डिस्टेंस है पोल से वो दे रखा है 39 मीटर, और हम जानते हैं वी विल टेक -39 बाय कार्टेशियन रूल. एंड सेकेंड पोजिशन ऑफ पोल टू द पैसेंजर इज 29 मीटर, और इन दोनों केस में आपको जो फाइंड करना है वो आपको ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस 1 सेकेंड बाद में, आफ्टर 1 सेकेंड बाद में इनका डिस्टेंस जो होगा उससे इनकी स्पीड क्या होगी. अभी इनकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. और एक बात ध्यान रखें आप कि जो हम अप्लाई करेंगे पी डैश के लिए वो सेम अप्लाई होगा पी के लिए, तो हम पी डैश को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम पी डैश में थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो स्पीड ऑफ पैसेंजर 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें पी और पी डैश टू लोकेशंस फाइंड करना. हम पी डैश की लोकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पे आप देखेंगे फोकल लेंथ हो जाएगा R/2, और इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा 1 मीटर. और आप देखिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. सो मिरर फॉर्मूला में जब हम वी विल सब्स्टिट्यूट 39 विथ माइनस साइन, एंड फोकल हम इस फोकस हम ऑलवेज बी पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर. सो वैल्यू ऑफ बी 39.4. सो कुछ इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पर होगा, वो इमेज फॉर्मेशन 39.4 मीटर होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल बाय पैसेंजर, सो स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें 1 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस मेजर करना है. तो देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगा वो. सो इस प्रकार से आप देखेंगे जब डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, तो वो हमें मिल जाएगा 5 मीटर. अब 5 मीटर जब आप देखेंगे तो वो -39 से टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो 5 प्लस कर दीजिए यहाँ पे. तो देखिए नई पोजीशन अभी पैसेंजर की आफ्टर 1 सेकेंड है वो है माइनस का 39 प्लस 5, सो -34 मीटर ये न्यू पोजीशन आई है पैसेंजर की. अब आपको इस पैसेंजर से इस डिस्टेंस से फाइंड करना है कि आफ्टर 1 सेकेंड ड्राइवर जो इमेज देखेगा पैसेंजर की वो क्या होगी. तो चलिए अपन इसी केस को आगे बढ़ाते हैं. तो हमें देखना है अब वी के पोजीशन में क्या चेंज आएगा. सो आपने सेकेंड टाइम अप्लाई करा सेम फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला, प्लेस पर आप यहाँ पर रखेंगे -39, और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. सो नई पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 34/35. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, हमें फर्स्ट और सेकेंड दो का डिफरेंस फाइंड करना है. तो देखिए ये फर्स्ट था और ये सेकेंड है हमारे पास में, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड डिफरेंस आया हमारे पास में. तो हमें मिला यहाँ से 1/20 128 मीटर, इतना डिस्टेंस डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच. तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आफ्टर 1 सेकेंड में जो स्पीड होगी पैसेंजर की होगी 1/280 मीटर पर सेकेंड. ये आप देखिए इस क्वेश्चन का पहला फेज था जो हमने सॉल्व करा, जहाँ पे हमने दो पोजीशंस निकाली वी और वी डैश, और उनकी स्पीड फाइंड करी जब हमने दो लोकेशंस आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड की. आपको अब पी के साथ भी सेम एज इट इज ही करना है, जिसे हम थोड़ा सा क्विक करेंगे.
सो देखिए सेकंड पोजीशन में मैं भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, माइनस 29 सेकंड कंडीशन थी पी पोजीशन की, आप फाइंड करेंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके। सो आपको जो नई पोजीशंस निकल के आएगी वो आपको नई पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, और आपको जो वी मिलेगा वो मिलेगा 29/30 मीटर। आप देखिए सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं इसलिए याद रखें, सेकंड केस का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक बार सेकंड केस देख लेते हैं। सो दैट इज द सेकंड केस, हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और सेम दोनों केस हमें फिर से फाइंड करना है। सो देखिए हमने क्या करा, फर्स्ट पोजीशन निकाल ली हमने, जब एक सेकंड बाद पैसेंजर फिर 5 मीटर मूव करेगा तो -29 में से 5 आप जब सॉल्व करेंगे तो -24 आएगा। सो नई पोजीशन हमें जो मिलेगी वो मिलेगी हमें -24। -24 पे ड्राइवर अब नई इमेज क्या देखता है कॉन्वेक्स मिरर से, सो वो हमें नई वैल्यू मिलेगी 24/25। आप फिर वही करिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए और इस प्रकार से स्पीड निकालेंगे तो 150 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर निकल के आएगा। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देख के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे।